एक मर्द और एक औरत रात के सुनसान वक्त एक ऐसी जगह जो बिल्कुल वीरान है वहां पर एक बोरी फेंक कर चले जाते हैं। वक्त और जगह से इस बात का पता चलता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। आखिर वो मर्द और औरत कौन थे और उस बोरी में ऐसा क्या बंद था? एक गुमनाम कॉल पुलिस को उस जगह तक पहुंचा देती है और जब बोरी खुलती है तो पता चलता है सर। इसकी बॉडी पे तो कोई निशान नहीं है। इसकी डेथ बॉडी की कुछ स्नैप बनवाओ और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो। कुछ स्नैक्स वगैरह मिली? सर हैरत है, इसके सारे पॉकेट खाली हैं। एम्बुलेंस को कॉल करो। सर ये बॉडी के स्नैप आ गए हैं। इसकी कॉपीज थाना भेजवा दो। ओके सर। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब मिलेगी? आज शाम तक मिल जाएगी। इसकी शनाख्त बहुत जरूरी है सर, बहुत जल्द पता चल जाएगा। तशरीफ रखिए जी। फरमाइए सर। जिसका ये कत्ल हुआ है ये मेरा दोस्त है सर। जानते हो उसे? कौन है ये? बताया ना सर, मेरा दोस्त है ये, सलमान नाम है इसका। तुम्हारे दोस्त की कत्ल की इंफॉर्मेशन तुम्हें कहां से मिली? सर रात वो जहां गया और जब वापस नहीं आया तो मुझे शक हुआ। कहां गया था वो और तुम्हें शक किस पर है? इसका मतलब तुम्हारा दोस्त जिसके यहाँ गया था तुम उन लोगों को जानते हो? जी जी सर, वो मियां भी हैं दोनों। यकीनन तुम कत्ल की वजह भी जानते होगे। सर वो अभी कुछ दिनों पहले ही दुबई से आया था। आसिफ एड्रेस सलमान का एड्रेस लो और उसके घर पे फौरन तलब दो। कोई फायदा नहीं है सर। क्यों? सर उसका कोई यहाँ नहीं है, वो यहाँ मेरे साथ रहता था। 15 पे इतला तुमने दी थी? नहीं सर नहीं। तुम्हें किस तरह शक हुआ कि तुम्हारे दोस्त का कत्ल हुआ है? तुम कातिल और मकतूल के बारे में जो जानते हो तफसील से बता दो। जी सर। यार अब तू शादी कर ही ले। रुक रुक रुक। हाँ यार तू सही कह रहे है, अब तो मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए। मैं कहाँ खो गया, वो शादीशुदा लड़की है। नहीं यार, यार शक्ल से तो अनमैरिड लगती है। मैं किसी की शक्ल पे थोड़ी लिखा होता है कि वो शादीशुदा या गैर शादीशुदा है। सुन तू इसे जानता है? बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ मैं इसे, मगर तू क्यों इतना बेताब हो रहा उसको देखकर? यार जिंदगी में पहली बार कोई इतना अच्छा लगा है। सुन यार मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये शादीशुदा होगी। अबे जो भी इसे देखता है ना यही कहता है। सर सलमान अरीबा को देख के पागल हो गया था, मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की। मैं अरीबा को जानता था और उसका नंबर भी मेरे मोबाइल में मौजूद था। फिर तुमने अपने दोस्त को अरीबा का मोबाइल नंबर दे दिया था? क्या सलमान को पता था तुम्हारे पास अरीबा का नंबर है? सर वो इत्तेफाक से मेरे मुंह से निकल गया था और उसने जरी पकड़ ली। पुलिस के लिए यह खुशाइन बात थी कि पुलिस को इस केस से मुताल्लिक तमाम मालूमात सलमान के दोस्त से मिल रही थी। पुलिस भी सलमान के कत्ल की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस उबैद से वो तमाम मालूमात हासिल करना चाहती थी जिसके जरिए पुलिस इस केस को हल कर सके। उबैद ने पुलिस को बताया कि सलमान अरीबा का नंबर मांगने की जिद कर रहा था। उसने लाख बार सलमान को बताया कि वो उसके जाल में नहीं आएगी। तुमने अपने दोस्त को नहीं समझाया?
बहुत समझाने की कोशिश की मैंने इंस्पेक्टर साहब, मगर उसने एक बात नहीं मानी। फिर क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? अबे वो तुझसे नहीं पटेगी, वो एक शादीशुदा लड़की है। बे तू नंबर दे रहा है या नहीं? उसको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। अच्छा चल मैं तुझे नंबर सेंड करता हूँ, दे जल्दी से दे। ले अब तू देख मैं करता क्या। हेलो लेकिन मैं तो दुबई में किसी आमिर को नहीं जानती। मुझे तो यही नंबर दिया था और कहा था ये रकम और सामान तक पहुंचा दो। कैसी रकम? कैसा सामान? ये तो मसला हो जाएगा। कैसा मसला? देखिए अच्छी खासी रकम है वो भी डॉलर्स में, और सूट केस में कीमती चीजों के अलावा सेवर भी मौजूद है। लेकिन आप उनसे दोबारा कंफर्म कर लें। चलें आप कहती हैं तो ये भी कर लेता हूँ, वैसे तकलीफ की माजत चाहता हूँ। कोई बात नहीं। हेलो जी मैं अरीबा बात कर रही हूँ। अरीबा? अभी थोड़ी देर पहले आपने कॉल की थी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका नाम अरीबा है। क्या हुआ कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला, यही सोचकर मैं परेशान हो गया हूँ कि दो दिन बाद मेरी वापसी है। एक आमिर है तो सही दुबई में, लेकिन वो मुझे सामान क्यों भिजवाएगा? अब ये तो उन्हीं को पता होगा। मेरा जो नंबर आप बता रहे हैं वो सही से देखकर तो मिलाया है ना आपने? जी जी उन्होंने अपने हाथ से लिख के दिया था, और एक लेटर भी सूटकेस के अंदर। वो खत किसके नाम है? अब पता नहीं किसके नाम है, सूटकेस तो लॉक है। और उस सूटकेस की चाबी? चाबी तो मेरे पास है। तो आप खुद ही खोल कर देख लें, पता चल जाएगा। देखें जी किसी का खत पढ़ना बुरी बात है। लगता है वो आ गए, मैं थोड़ी देर के बाद आपसे बात करती हूँ। तो क्या अरीबा ने इसे घर बुलाया था? इंस्पेक्टर साहब अरीबा सलमान के झांसे में मुकम्मल तौर पर आ गई थी, और जाहिर है डॉलर्स उस जगह पर उसकी राल टपक गई थी। सलमान ने मुझे बताया कि आ जा मेरे यहाँ आ गया। यार कल रात अरीबा ने मुझे अपने घर पे बुलाया है। क्या बात कर रहा है, मान गया यार तुझे, मगर रात में उसका शोर भी तो होगा घर पे। उसको कहीं भिजवाने का इंतजाम अरीबा ने खुद ही कर लिया। यकीन नहीं आता यार, वो ऐसी थी तो नहीं। मेरे दोस्त पैसा और जेवर औरत की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो मेरी समझ नहीं आता यार, आखिर तुझे उस औरत में अच्छा क्या लगा? नजर नजर की बात होती है मेरे यार। खैर अब मैं चलता हूँ। चल ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके लाला। तुम्हारा कहने का मकसद है सलमान अरीबा के घर गया और वापस नहीं लौटा? जी सर। तो क्या सलमान वो सूटकेस अपने साथ ले गया था? लेकर तो गया था, मगर उस सूटकेस में था क्या मुझे नहीं मालूम। जब तुम्हारा दोस्त लौटा नहीं तो तुमने उसे कॉल नहीं की? की थी, मगर उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिल रहा था। लेकिन उसके पॉकेट में कुछ नहीं मिला। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये सब कुछ कौन कर सकता है। आसिफ फौरन रेड की तैयारी करो, और उबैद साहब आपको हमारे साथ चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब अगर आप उन दोनों से मुझे दूर ही रखें तो अच्छा होगा। क्यों, उनसे आपको परेशानी क्या है? इंस्पेक्टर साहब मैं नहीं चाहता कि उन दोनों को ये पता चले कि सलमान के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। ओके मैं समझ गया। इंस्पेक्टर साहब मुझे उम्मीद है जब आप उन दोनों से तफ्तीश करेंगे तो वो एतराफ़े जुर्म कर लेंगे। सलमान मर्डर केस की काफी मालूमात पुलिस को उबैद से मिल चुकी थी। अब सलमान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अरीबा और उसके शोहर के खिलाफ पुलिस को मजीद ठोस सबूत दरकार थे। अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए इनके घर पहुंच गई। इस टाइम कौन आ गया?
अरे भाई यार प्लीज जरा जाके देखो। आप अरीब आप कौन आया है? क्या हम आपके घर के अंदर आ सकते हैं? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। डॉक्टर साहब आप? जी यही सवाल आपकी वाइफ ने भी किया था। जी जी फरमाइए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? आसिफ सर बताइए तो सही बात क्या है? अभी सब समझ में आ जाएगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब आखिर बात क्या है? ये सूटकेस मिल गया। जी अब क्या कहोगे इस सूटकेस के बारे में? अपनी जबान तुम खुद खोलोगे या उसे खुलवाने के लिए हमें अपना तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा? आसिफ इन दोनों को ले आओ। चलिए चले साहब चले चले मैडम। हाँ इन्होंने मुंह से कुछ फूटा भी है या नहीं? सर इन दोनों ने अपने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया। ओए साहब को बताया सब क्यों कैसे और किस लिए किया है? मैं बताती हूँ सर क्योंकि इस कहानी की इब्तदा मुझसे हुई थी। मैंने अखलाक को मना भी किया था ये सब कुछ ना करे लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। मैं बाल बना रही थी कि मेरे मोबाइल पे एक अननोन नंबर से कॉल आई। हेलो जी मैं सलमान बात कर रहा हूँ। आमिर साहब ने दुबई से कुछ सामान भिजवाया था आपके लिए। लेकिन मैं तो दुबई में किसी आमिर को नहीं जानती। मुझे तो यही नंबर दिया था और कहा था ये रकम और सामान तक पहुँचा दो। कैसी रकम कैसा सामान? ये तो मसला हो जाएगा। कैसा मसला? देखिए अच्छी खासी रकम है वो भी डॉलर्स में और सूट केस में कीमती चीजों के अलावा जेवर भी मौजूद है। लेकिन आप उनसे दोबारा कन्फर्म कर लें। चलें आप कहती हैं तो ये भी कर लेता हूँ। वैसे तकलीफ की माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं। किसका फोन था? किसी अननोन नंबर से कॉल थी। मैंने जब उस कॉल की तफसील अखलाक को बताई तो उसी वक्त मैंने इसकी आंखों में लालच की चमक महसूस कर ली थी। नहीं इखलाक पता नहीं किसकी अमानत है। हो सकता है मेरा नंबर गलती से मिल गया। बेवकूफी मत करो रीबा इतना अच्छा मौका हाथ आया है हम एक ही झटके में अमीर बन सकते हैं। ये सब इतना आसान नहीं है। मुझे मालूम है तुम बस एक काम करो किसी भी तरह उसे यहाँ बुला लो। इखलाक छोड़ो ना ये सब क्यों बैठे बैठे मुसीबत मोल ले रही हो। रीबा बेवकूफी मत करो दौलत हमारे घर पर खुद चलकर आई है और तुम उसे ठुकरा रही हो। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? ये सब मुझसे नहीं है मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ तुम बस इतना काम करो एक दफे से यहाँ पे घर पे बुला लो। तो क्या सलमान आसानी से घर आने में तैयार हो गया था? प्लान के मुताबिक जब मैंने उसे घर बुलाने के लिए कॉल। जिसे उसने बड़ी खुशी खुशी कबूल भी कर लिया। जी प्लीज प्लीज आइए आइए।
आइए प्लीज अंदर आ जाइए। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। सुने, ये अपनी अमानत लेती जाएगा। काम करो, मैंने कोल्ड ड्रिंक तैयार कर दिए, तुम भी उसे पिला दो। से नहीं होगा। कैसी बातें कर रही हो, आज तो बोलो, कभी सुनना ले। मुझे डर लग रहा है। देखो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? क्या ये सब कुछ करना जरूरी है? हाँ रीबा, क्योंकि अब उसकी जिंदगी हम दोनों की मौत बन सकती है। सलमान की लाश को ठिकाने लगाने के लिए इखलाक मुझे भी अपने साथ ले गया। फिर एक सुनसान जगह पर पहुंचकर हमने उसकी लाश को सुनसान जगह पर फेंक दिया। मैंने इस जुर्म में इनका साथ मजबूरी में दिया था। मजबूरी? कैसी मजबूरी? सर, ये सब मुझसे नहीं होगा, मुझे डर लग रहा है। अरे पर मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम बस इतना काम करो, एक दफा उसे यहाँ पे घर पे बुला लो। नहीं इखलाक, मैं किसी की जान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती। देखो रीबा, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ओके, मैं ट्राई करती हूँ। आसिफ, रीबा को लॉकअप करो। चले बीबी, आइए। हाँ भाई, क्या ये सब कुछ सच है? तो मैं लालच में अंधा हो गया था। आइए उबैस साहब, तशरीफ रखिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं बाद में आ जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, ये तो वही आदमी है। कौन आदमी? जिसका मैंने कत्ल किया था। क्या? पुलिस अपनी जहानत से समझ रही थी कि पुलिस ने इस केस को हल कर लिया है, लेकिन जब इखलाक ने थाने में आने वाले शख्स के बारे में पुलिस को तफसीलात बताई, तो पुलिस के सामने कुछ चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए। पुलिस स्टेशन में आने वाला शख्स कौन था जिसको देखकर इखलाक चौंका था? पुलिस को भी इस बात की बड़ी हैरानगी हुई कि अगर इखलाक की बातों में सच्चाई है तो फिर सलमान को किसने मारा है? ये एक ऐसा सवाल था जिसने पुलिस की तफ्तीश का पूरा रुख मोड़ दिया था। अबे तूने हम पुलिस वालों को हम दबाए क्या? सच बताओ, इस कहानी के पीछे हकीकत क्या है? सब मुझे कुछ नहीं मालूम सर। सीधी तरह बता, सच क्या है?
ओए, तू ज़बान खोलता है, तेरी हड्डियों का सुरमा बना दूं। आसिफ, इसको उस वक्त तक के मारो जब तक कि इसकी ज़बान से सच नहीं निकलता। बता सच क्या है? सलमान को मैंने कत्ल किया। तुमने कत्ल किया? क्यों और किस लिए? इंस्पेक्टर साहब, मैं और अजीबा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और जब सलमान दुबई से आया तो वो उस पर लट्टू हो गया, और उस वक्त मेरे जहन में एक शैतानी मंसूबे ने जन्म लिया। जब से सलमान ने तुम्हें देखा है, तुमसे मिलने के लिए पागल हो गया है। वो तुम्हारा दोस्त है, जरा ख्याल रखना, कहीं हमारे इश्क के बारे में उसे पता ना चल जाए। यार, मेरे जहन में एक प्लान आया है। कैसा प्लान? न सिर्फ हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों एक हो सकते हैं, बल्कि बहुत सारी दौलत के मालिक भी बन सकते हैं। क्या मतलब है? देखो, मैं तुम्हें फोन करूंगा। ये बता, अरीबा का शव तुझे जानता है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो मुझे नहीं जानता, और ना ही उसने मुझे कभी देखा। क्या सलमान बनकर तुम यहाँ आओगे? वो जहर जो सलमान को देने के लिए कहा है तुम्हें, वो तुम मुझे दोगी। तो क्या तुम खुदकुशी करना चाहते हो? पागल, यही तो फनकारी दिखानी है तुम्हें। तुमने क्या प्लान बनाया? फिर मैंने अरीबा को बताया कि उसने कैसे जहर को बदलना है। बैठ बैठ। क्या बात है, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है तू। यार, एक डील फाइनल हो गई है, और कल तुझे मैं एक बड़ी ट्रीट दूंगा। तू मुझे कल ट्रीट देगा, मैं तुझे आज और अभी, लेकिन एक छोटी सी ट्रीट दूंगा। ट्रीट? कैसी ट्रीट? तू बैठ, मैं तेरे लिए अभी ठंडा लेकर आता हूँ। बैठ बैठ। फिर प्लान के मुताबिक मैंने उसकी कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दिया। ये ले। पी। सलमान, सलमान क्या हुआ? सलमान 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 मैंने सबसे पहले सलमान के कपड़े पहन लिए थे, और फिर सूटकेस लेकर अरीबा के घर पहुंच गया। तुम्हारा शौहर कहाँ है? वो किचन में छुपा हुआ है, आ जाओ। आप बैठे, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आती हूँ। ये आप अपनी अमानत तो लेती जाइए। जब सलमान वहां जाने के लिए तैयार था,
तो फिर तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि अरीबा ने मुझे कॉल करके बता दिया था कि अखलाक सलमान को लूटकर जान से मार देने का इरादा रखता है। अरीबा ने मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने का इशारा किया। मैंने वो कोल्ड ड्रिंक एक तरफ फेंक दी और फिर मैंने प्लान के मुताबिक मरने की अदाकारी की। सुनो, हम एक काम करते हैं, बैग बाद में देख लेंगे, पहले इसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं। ओके। मैं फौरन अपने घर पहुंचा और सलमान को उसके कपड़े दोबारा पहना दिए और उसकी लाश को बोरी में बंद कर उसी जगह फेंक दिया। इंस्पेक्टर साहब, मेरा ख्याल था कि इस तरह अरीबा के शौहर को जरूर फांसी हो जाएगी और फिर तुम अरीबा के साथ ऐश इशरत की जिंदगी गुजारोगे। जी सर, प्लानिंग तो तुमने बहुत अच्छी की थी, लेकिन तुम ये बात भूल गए, जुर्म के पीछे की जाने वाली प्लानिंग कितनी अच्छी क्यों ना हो, कानून की नजरों से कभी छुपी नहीं रह सकती। कानून की नजर में तुम सब मुजरिम हो। आसिफ, इन सब का चलान बनाओ और कल सुबह अदालत में पेश करो। उबैद ने कानून की नजरों से बचने के लिए जो गेम प्लान किया था वो बहुत ही जबरदस्त था। उबैद को इस बात का पूरा यकीन था कि वो बहुत ही आसानी के साथ कानून की नजरों से बच जाएगा और अरीबा के साथ अपनी जिंदगी सुकून से गुजारेगा। लेकिन वो एक मिसाल है ना, कि कहते हैं कि दूर के ढोल हमेशा सुहाने ही होते हैं। आखिरकार उबैद कानून की गिरफ्त में आ गया और एक शख्स जिसे उसने फंसाने की कोशिश की थी वो बाइज्जत बरी हो गया और उबैद जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद उसकी दलदल में फंसता चला गया। किसी ने क्या खूब कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शायरी को याद दीजिए। अल्लाह ने के बाद।